सत्य ही शिव है। Thank you.
नल्ला पाड़ रहा है क्या तुम तेरे मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना कैसा है ये बंधन अनजाना कैसा है ये बंधन सर एक जमाने में ये सब कुछ एक टेक में हुआ करता था अनबिलीवेबल और आज आप लोग वही एहसास दिला रहे हैं एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए वी आर सो सो लकी टू विटनेस दिस एंड टू हियर दिस प्यारे सर कैसा लगा आपको ये इतनी खुशी हुई मुझे इतना परफेक्ट समझ के और सही ढंग से गाना बहुत अच्छी बात है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए कि कहीं भी उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं और कोई भी ओवर नहीं किया मैं डर रहा था वाह कहीं हरकत ना मार दें बीच में लेकिन आपने बिल्कुल सही ढंग से और इतना अच्छा गाया कि मुझे मतलब ऐसा फील होता है सुनते रहो अभी आप जब कर रहे थे मुझे फिर से याद है जब सत्यम चल रहा था गाना तो 150 के ऊपर म्यूजिशियन थे 5 आदमी कंडक्ट कर रहे फिर भी कम पड़ रहा था तो बेचारे जितने ढोल तबला बैठे थे वो लता जी के लेफ्ट में थे और बाकी वायलिन उधर थे इधर ये थे इधर कोरस 60 कोरस थे समझे ना और ये बाहर तक सब गा रहे थे अब 5 आदमी कंडक्टिंग के अंदर रिदम वाले अंतरिक्ष लाइन क्या है वो साउंड दीजिए नहीं मैं इसलिए कर रहा हूँ कैसे हो रहा था इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको ये चल रहा था अब क्या होता है ब्रेक के बाद में कोई आदमी हमारा नहीं था जो उनको हाथ दे तो वी आर सो लकी कि लता जी ने खुद बोल के और उन्होंने खुद कनेक्ट किया हुआ है तो ये होता आर्टिस्ट जी इन्होंने गाया है उसमें मेन चीज जो थी वो अलग पाना बहुत मुश्किल था वो एक चैलेंज था पूरा गाना है और लता जी गा रही हैं और इसके साथ में इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा आप समझे ना अभी देखिए इसमें जो ब्यूटी है कि सत्यम शिवम सुंदरम आज इतने दिनों के बाद हम सुनते रिकॉर्ड लेकिन आज मैंने रियली एंजॉय किया बैठ के सामने एंड दिस ऑल टीम वर्क इसमें सोलो स्टाफ है लेकिन ताली सबके लिए बजनी चाहिए कंपटीशन में ऐसा गा रही हो इतनी नर्वसनेस होनी चाहिए सर बैठे हैं मैम बैठी हैं ये सारे लेजेंड्स बैठे हैं मतलब उनके आगे यू नो ये लड़की जो कॉन्फिडेंस से और इतना महान गाया है मैं यही कहूंगी कि आपने मौसम बदल दिया नमस्ते सर नमस्ते मैम मैं बचपन से लता जी को सुनती हूँ तो एक क्वेश्चन था आपसे कि आपने तो उनके लिए इतने सारे लेजेंडरी गाने क्रिएट किए हैं तो उनका नेचर कैसा था वो कैसी है वो अगर आप थोड़ा बोलिए मैंने 3 दिन पहले ही उनसे बात की थी फ़ोन आया था वाओ बात किया बात सुनते रहो लगता है क्या उनके लैंग्वेज प्यारे कैसे हो
सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा और ऐसा लगता है जैसे मतलब भगवान का देवी माँ का आशीर्वाद मिलता है। अरुणिता के लिए जोरदार तालियां हो जाए, मजा आ जाए, बहुत अच्छा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।